नमस्कार, मैं रविश कुमार। अभी आपने जो वीडियो देखा और अरावली पर्वतमाला के भीतर की दुनिया देखी, वही काम ठीक मैं इस वीआर हेडसेट के जरिए, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के जरिए देख रहा हूं, और अरावली के भीतर की वो दुनिया दिख रही है जो मुझे अब तक कभी दिखी नहीं थी। दिल्ली आने के बाद 20-25 साल पहले जब हम दिल्ली आए थे, तब इस अरावली पर्वतमाला के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे, देखते थे, लेकिन कभी इसे भीतर से नहीं देखा। यही पढ़ते देखा कि अरावली को बिल्डरों ने और खनन माफियाओं ने पूरी तरह से उसको कुतर दिया है, कुरेद दिया है और उसे धूल कणों में बदल दिया है। पर्वतमाला की बुरी कटाई छटाई हो रही है, पर उसको करीब से नहीं देखने के कारण उन समस्याओं को पढ़ते हुए भी एक तरह का रिश्ता कभी बन नहीं पाया। तो हम सोचते थे कि शायद अरावली की जो शिकायतें हैं, जो तकलीफ़ है, वो हमारी हकीकत, हमारे आसपास की दुनिया या एक ऐसी दुनिया से जुड़ी हुई है जिससे हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर 20-25 सालों से पढ़ रहा हूँ अरावली के बारे में, तमाम तरह के सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, तमाम तरह के संगठनों की प्रतिक्रियाएं हैं, बहुत बार मीडिया रिपोर्ट्स हैं स्थानीय स्तर पर जो पत्रकार रिपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन इंडिया हैबिटेट सेंटर में आदित्य आर्या हमारे साथ हैं और इनकी जो टीम है, ईरा पांडे, प्रदीप कृष्ण और भी कई लोग, वो उन लोगों ने इन तस्वीरों के ज़रिए इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक प्रदर्शनी माला लगाई है, पूरा अरावली उठाकर ले आए हैं ये, ताकि हम जान सकें कि अरावली के भीतर क्या है और अरावली कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर जाकर ख़त्म होती है। तो आदित्य आर्या जी, मुझे थोड़ा सा बताइए कि अरावली जो है वो कितनी पुरानी पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला है ये? सो अरावली हिमालय से कुछ हजारों साल पहले, कहते हैं बिलियंस ऑफ इयर्स पहले फॉर्म हुई थी, और कहते हैं कि अगर कुछ बिलियन साल पहले चंद्रमा से किसी ने अर्थ को देखा होगा, सिर्फ अरावली ही नजर आती उस वक्त, और कुछ ढाई अरब साल पहले। हाँ, तो बाद में, क्योंकि ये इतनी पुरानी श्रृंखला है तो उसका जो डिग्रेडेशन हुआ है, जो उससे जिसको हम कहते हैं कि एक पतन जो उसका होता रहा है जी। अब वो छोटी छोटी पहाड़ियां रह गई हैं जो कि जिसकी हाईएस्ट पीक है 6000 फीट के करीब गौरी शिखर राजस्थान में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने माल रोड पे ये लुप्त हो जाती है, जबकि इसके अंश गंगा तक मिलते हैं और गुजरात तक भी मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक टाइम में बहुत बड़ी रही थी और इसमें तरह तरह की रॉक्स एंड सॉइल्स पाई जाती हैं जिसके लिए आज की डेट में इनका खनन होता है और जंगलात तो सारे ख़त्म कर दिए गए हैं। ये विजुअल आर्ट के ज़रिए हम आपको बताएं कि वो अखबार जिनकी बात मैं अभी कर रहा था, ये अखबारों के हेडलाइन हैं जो अरावली के लूटे जाने, काटे जाने और छिले जाने की खबरों से इनका रिश्ता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि संगठनों ने या नागरिकों ने इस समस्या के प्रति आपका ध्यान नहीं खींचने की कोशिश की, पर हुआ यूं कि आपका अरावली से कभी रिश्ता नहीं बना, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसमें लोगों का। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस प्रदर्शनी को किसी पहाड़ के बारे में, मैं आर्ट की दुनिया का नहीं हूं, दुनिया में ऐसा होता ही होगा, पर क्या ये हमारे देश में सामान्य तौर से होता है किसी पर्वतमाला के बारे में इस तरह से प्रदर्शनी लगाई जाती है? लेकिन इस पर्वतमाला ने से मेरा बहुत कनेक्शन रहा है, क्योंकि मेरा जन्म दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ था और मैंने अपनी बचपन सारा उन जंगलों में घूमते घूमते निकाला। फिर बाद में जब मैं गुड़गांव आया तो मैंने देखा कि क्या हो रहा है, कि गुड़गांव में जब मैं आया तो मैंने जब घर बनाया तो 80 फीट पे पानी था कुएं में, और आज की डेट में 17 साल में 350 फीट पे भी पानी नहीं है, हमने सारा निकाल डाला है, वो बिल्डर्स ने मिलके मेरा कुआं एकदम 350 फीट तक हमने सब कोशिश कर ली, उसमें एक बूंद पानी नहीं आया। 80 फीट से आप 17 साल में 350 फीट नीचे चले गए, और इसीलिए आपके इस सेगमेंट में बिल्डरों का की जो कारस्तानी है वो इसका जिक्र है, पर वो बार बार आपसे कहते हैं या लोगों से कि हम विकास कर रहे हैं, अरावली में तो कुछ बचा नहीं, कुछ जंगल झाड़ बचा हुआ है। तो विकास और मतलब जो कहते हैं ना डेवलपमेंट, कहीं पे तो बैलेंस होना चाहिए ना, उसका बैलेंस कब आएगा? हम विकास के लिए क्या खोते चले जाएंगे?
पर लोग नहीं जानते हैं, और क्या बता सकते हैं आप अरावली के बारे में? सो थोड़ा ये इन सब तस्वीरों जैसे ये, हाँ, ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्क है, इट्स कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी पार्क। ये गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के बगल में है। इसको गुड़गांव के कुछ लोगों ने इस 350 एकड़ को लेकर के इसको क्या किया है, इसको दोबारा, ये था 2011 में और 2017 में इसमें जंगल फिर से पैदा किए जा रहे हैं। ये लोगों ने किया है या सरकार ने किया है? नो, ये पब्लिक ने किया है। ये जो अभिजीत चौहान की तस्वीर है, ये 2011 में बिल्कुल खाली बंजर है, और आप देखिए कि ये 2017 में इस तरह से इसके आसपास ये हरियाली लोगों ने किया। ये आई एम गुड़गांव करके एक लोगों का संगठन है, हाँ, उन्होंने मिलके किया। मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोगों ने इसे इतना हरा भरा बना दिया है। 2009 में हाँ, ये हालत थी। मेरा घर उधर ही है बगल में, हाँ, ये 2013 है और ये 2015 है। आप देखिए जंगल फिर से पैदा होने लग गए हैं। इसमें गवर्नमेंट का ये रोल है कि उन्होंने ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दे दिया एक ऑर्गेनाइजेशन को, आई एम गुड़गांव को, कि इसको आप संभालिए, आप इसमें जंगल पैदा करेंगे, आप पैसा लाएंगे इसका। तो ये उन्होंने नर्सरी बनाई है जिसमें सिर्फ जो यहाँ के देसी प्लांट्स हैं वो ही जंगल में पैदा किए जा रहे हैं, ना कि विदेशी। कृष्ण ने लिखा है कि पहले यहाँ विदेशी प्लांट लगा दिए गए, कीकर आ गया, उसको निकाल के जो नेटिव प्लांट्स हैं, हाँ, वो सारे रीइंट्रोड्यूस। ये हमारी साइबर सिटी है, इसके पीछे ही लगती है एकदम। और ये पूरा इसमें ये हरियाली आपने मतलब इस समस्या के जरिए हम एक समाधान देख रहे हैं कि आप लोगों ने मिलके वापस जंगल को बसा दिया। जंगल बन सकता है अगर चाहे तो। ये तो मेरी जानकारी में तो वाकई बिल्कुल नहीं है। इस तरह की ये जो हरियाली दिख रही है यहाँ पे, ये भी नहीं थी, बिल्कुल ये हालत थी। मैं तो ये अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, यहाँ लोग नहीं जाते हैं क्या इसको देखने? जाते हैं और हमें नहीं मालूम। अब सुबह हजारों लोग आपको घूमते हुए मिलेंगे इस जगह पे, इस जगह में। और ये हालत थी 2011 में, और जिसको 7 साल के अंदर में लोगों ने इसको बसा दिया। और जी, एंड इस पीपल्स मूवमेंट, और किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं? सब कॉर्पोरेट्स जुड़े हुए हैं जो कि कह रहे हैं कि हमें जंगल वापस चाहिए। अच्छा, तो ये उसी की तस्वीरें हैं। तो वहाँ पे साइकिलिंग के पाथ बनाए जा रहे हैं, हाँ, और मतलब जिससे कि एक, और ये देखिए, ये हम लोगों ने, ये जो गुड़गांव और फरीदाबाद में कूड़ा पैदा होता है, ये कहाँ जाता है? किसी ने सोचा है? बंदवाड़ी करके गांव है, हाँ, उसमें भरा जा रहा है, हाँ। आज भी अखबार में निकला है कि अब गवर्नमेंट प्लांट बना रही है इसको। ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल केमिकल है जो कि इस कूड़े में से निकल करके ये एकत्रित होते जा रहा है। इसको लीचेट बोलते हैं, लीचेट, ये सारा, हाँ। और ये गाय यहाँ पे प्लास्टिक खा रही है, पूरा फरीदाबाद और गुड़गांव का सब मलबा यहीं डाला जा रहा है। पर जब हमारे पास आई एम गुड़गांव गुरुग्राम की मदद से ये सफलता का इतना बड़ा उदाहरण है कि आपने 350 एकड़ में फिर से उसे हरा भरा कर दिया है, और पता नहीं, मेरे से पढ़ने में अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरे की तो नहीं कह सकता, पर मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी कि गुड़गांव में, यह ज़रूर आऊँगा। ये है वो जो आप बता रहे हैं कि ये उदयपुर, हाँ, उदयपुर में से, हाँ, ये पहाड़ स्टार्ट होते हैं, हाँ, और ये ऐसे जाते हैं अजमेर, सांबर, सॉल्ट लेक, जयपुर, अलवर और न्यू दिल्ली और गुड़गांव में जाके, हाँ, खत्म हो जाते हैं इन्हीं। ये इसका पूरा एक रेंज है, 2.5 अरब साल, यही अरावली। पर और अपनी तस्वीरों के जरिए थोड़ा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे कि आपने कैसे लगाया है ये सारे? तो हाँ, मैं 2-3 साल से डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ, हाँ, थोड़ा बहुत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी हमारी एक हेल्प की इन जगह पहुँचने के लिए, हाँ, बिकॉज मेरा आइडिया ये था कि फोटोग्राफर का, हाँ, एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, वो अपने टाइम का हिस्टोरियन, विजुअल हिस्टोरियन और आर्काइविस्ट है। फोटोग्राफर एक ऐसी हिस्ट्री छोड़ के जाता है, विजुअल हिस्ट्री, जो कि बाद में फ्यूचर जनरेशन उसको इंटरप्रेट कर सकती है। आप लिखित वर्ड को वो किसी की अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, बट जो देखी हुई कहानियाँ हैं उनको आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते। तो आप भटकते रहते हैं आदित्य आर्य जी? जब भी मैं अपने असाइनमेंट नहीं कर रहा हूँ तो, हाँ, और अपने साथ बहुत सारे
छोटे हाँ। यंग बच्चों को लेके जाता हूँ हाँ। जैसे कि ये मनु है, इसने हाँ। इसकी बहुत सारी पिक्चर्स हैं इधर। अच्छा। तो ये जो सीख रहे होते हैं तो हाँ। ये मेरे साथ यहाँ आकर के सीखते हैं। पर अरावली के भीतर जो जंगल हैं, कीकड़ की हम बात कर रहे थे, क्या आप यहाँ लगी तस्वीरों के जरिए बता सकते हैं कि हम सिर्फ इनको जलावन की लकड़ी ही समझने लगे हैं, जैसा आपने कहा कि लोग इससे इम्पथाइज नहीं होते, सहानुभूति नहीं रख पाते हैं जी। ये जंगल हाँ गुड़गांव से 25 मिनट की दूरी पे, आप देख रहे हैं कितनी दूर तक ये जंगल फैला हुआ है, और ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे इन जंगलों में जो कि लोग यहाँ पे आके बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। अरे ऐसे जंगल गुड़गांव से 15 मिनट और 20 मिनट दूरी पे हैं। मतलब आप ये भी कोशिश कर रहे हैं कि लोग इसको जानें, और जानेंगे तभी इसके तभी बचाने इसके, की बातों से जुड़ पाएंगे। You have to connect the two, otherwise कभी कोई कहानी बनेगी नहीं आगे। तो मैं ये थोड़ा सा ये और समझना चाहता हूँ पेड़ों के बारे में आप कुछ। ये जैसे है, इन पत्थरों को आपने एक अलग से इसका इंस्टॉलेशन किया है हाँ, ये अलग अलग निकाल के कि ये इसके टेक्सचर्स हैं पत्थरों के, पर ऐसा लगता है कि ज्यादा इसमें फोकस आपने ये इस बात पर दिया है कि क्या बचा हुआ है। Also, see, it's a, अगर आप हमेशा ये कहते रहें कॉन्जर्वेशन कॉन्जर्वेशन, अब मतलब ज्ञान देंगे बट हाँ। अगर आप आर्ट और ज्ञान को थोड़ा सा वीव कर दें हाँ। तो एक इट्स अ बेटर वे ऑफ अप्रोचिंग द प्रॉब्लम। यू हैव टू वीव आर्ट, थोड़ा सा कला और अपनी जो कहानी कहना चाहते हैं दोनों को वीव कीजिए। तो और इससे शायद हमें इन पत्थरों को, जिनको हम बहुत दूर से देखते हुए गाड़ी से जयपुर पहुंच जाते हैं, उनको थोड़ा देखने की एक निगाह भी मिलेगी कि ये जो पत्थर हैं इनके टेक्सचर रंग इस तरह से भी देखे जा सकते हैं और इनका इतना मूल्य किया जाए। कई बार हमें लगता है कि लोगों की जो जानने की प्रक्रिया है वो सिर्फ टीवी और अखबार पर ही निर्भर है या गूगल सर्च पर, तो इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि इतनी मेहनत करके आपने एक प्रदर्शनी लगाई है, क्या लोग उसे देखकर चलकर आते हैं देखने के लिए? बहुत, यहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन रहता है मेरा सुबह से लेकर शाम तक। पिछले एक महीने में ऐसे ऐसे लोग मिले हैं हाँ। जो कि जुड़ जाना चाहते हैं, जो कि बताया हम बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो ये बच्चों का सेक्शन है जहाँ पे वो लोग स्केचेस बनाते हैं, क्विज उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, क्विज फॉर्म्स, वो क्विज भरते हैं और प्लेज लेते हैं। ये सब प्लेजेस उन्होंने बच्चों ने लेके वह रोज चिपकाते हैं, तो मतलब ये हम दो तीन बार इन्होंने लगाया कि हम पूरा इसका वर्ल्ड इसमें जो वृक्षों को बचाएंगे, इसमें हाँ, जो जीव जंतु हैं उनको बचाएंगे। हाँ, वो अपने आप ही लिखते रहते हैं और खूब उतारे और अगले दिन फिर से भर जाता है ये। अच्छा, मतलब यही नहीं है, मतलब और भी बहुत सारा है, तो आप इसको खाली लगाते रहते हैं। तो देखिए ना, उनकी इन्वॉल्वमेंट है लोगों की, बच्चों की। पर हम थोड़ा और जानना चाहते हैं कि और थोड़ा सा अरावली के बारे में बताइए जिसमें लोग थोड़ा और जान पाए। इसके भीतर की दुनिया में क्या है? सो भीतर की दुनिया में क्या हो रहा है सर, कि NGT गवर्नमेंट को बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को बोल रही है कि आप डिफाइन कीजिए जंगल क्या है। बिकॉज अगर मैं आपको उधर लेके जाऊँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक पेड़, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रीज ऑफ अरावली इज कॉल्ड थाव। अच्छा। इट ओनली ग्रोज इन अरावली, वो और कहीं नहीं हो सकता। वो बहुत ही रेयर पेड़ है। अच्छा। और पहले अरावली के सारे जंगल वही थे धाव के। और धाव कैन लिव विदाउट वाटर, बिना पानी के ही। उसकी जो रूट सिस्टम्स हैं हाँ। वो आप देखेंगे कैसे चलती हैं ऊपर हाँ। ऊपर हाँ। और वो सूखा रहता है, वो जो आप सूखे जंगल देख रहे थे हाँ। वो धाव के जंगल है। जब बारिश होती है तो वो 5 दिन में एकदम लश ग्रीन हो जाता है और उसके बाद सारे साल फिर सूखा रहता है, फिर साल भर प्यासा रहता है वो। उसको वो मॉइस्चर से एक खींचने का तरीका आता है। ये पेड़ ऐसा है, शुरू में 10 साल ये ऐसे बेल की तरह पत्थर पे चढ़ रहा है हाँ। आप देख रहे हैं और हाँ। बाद में यही चीज बहुत बड़ा वृक्ष बन गई है। ये एक बहुत ही खास तरह का पेड़ है, ये बाद में जंगल बन गया है लेकिन शुरू में ये ऐसे रहता है पत्थरों लता की तरह, लता की तरह, की तरह ये फैलता चलता है और फिर बाद में खड़ा होता है। पहले पसरा रहता है फिर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसको उसमें 25-30 साल लगते हैं। तो आप देखिए 30 साल लगते हैं उसको खड़ा हाँ, होने, क्योंकि आप कहते हैं कि इतना बड़ा झाड़ है, मैं कहता हूँ वो झाड़ नहीं है, वो जंगल है। क्यों?
उसको बन आप एक गलत माइंडसेट है। ठीक ठीक, अब मैं समझा कि जब बातें होती हैं कि यहाँ जंगल है और बिल्डर कहते हैं नहीं जी जंगल नहीं है, ये तो झाड़ है। हाँ मैं कहता हूँ ये जंगल है फ्यूचर। तो अगर मैं अगर मैं धाऊ के बारे में ना जानूँ तो मुझे लगेगा कि ठीक है ये क्या जंगल है, पत्थर ही तो पड़े हुए हैं ये सारे। हाँ पर आप कह रहे हैं कि कुछ साल के बाद यही जो यही पेड़ है जो फैला हुआ है पसरा हुआ है इन्हीं में से एक वृक्ष खड़ा होता है कई जंगल, जिसको धाव कहते हैं और ये पूरा एक जंगल जो है ऐसे खड़ा हो जाता है। सो यही एक आइकॉनिक ट्रीज है यहाँ। ये एक नई जानकारी आपने दी। नहीं तो और वैसे साल भर ये ऐसे सूखा रहता है, ये विंटर में ऐसा लाल रंग का। और ये गुड़गांव के बिल्कुल पास है, स्टोन थ्रो पे है ये सब कुछ हमारे। पर इतना कोर्ट के जो आदेश हो रहे हैं कि अरावली में खनन नहीं करना है, आप लोग जब घूमते हैं तो क्या दिखता है कि उसका पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। और मैं ये कहता हूँ ये जो कोर्ट वाले लोग हैं इनको इस एरियाज में भेजना चाहिए कि भैया जाओ देख के आओ। आप एक रिपोर्ट के जरिए बोलना चाहते हो कि जी रिपोर्ट आई है कि ये जंगल है कि नहीं है। हाँ जी वो फलाना रिपोर्ट आई थी कि जंगल है। अब जंगल की क्या डेफिनेशन है कि कभी किसी ने डिफाइन किया कि अगर पेड़ इतना मोटा हो और इतना ऊंचा हो तो वो जंगल पे, मतलब हु इज डिफाइंड द जंगल, जंगल किसने डिफाइन किया कि पेड़ क्या है। मैं तो कहता हूँ पेड़ अगर 2 इंच का है और क्योंकि वो इतना टाइम लगता है उसको वहाँ पे उगने में, वो भी एक बहुत बड़ा वृक्ष है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि लोग जानें कि अरावली क्या है। हाँ। उसके पत्थरों की प्रकृति क्या है, उम्र क्या है, उस लिहाज से भी वो काफ़ी मूल्यवान है हमारे लिए। पर हम तो यही सोचते रहे कि वो अतिक्रमण की कोई चीज़ है, उससे लोग मकान बना लेते हैं और उसको काट के कॉलोनी बन जाती है, इसके लिए अरावली है। वो एक निर्जीव जगह है जो रहे ना रहे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। ये बहुत बड़ा इशू है कि डेवलपमेंट वर्सेस हम क्या चीज़ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। हम जंगल सेक्रीफाइस कर दें कि अपने पहाड़ और नेचुरल रिसोर्सेज, तो अगर हम बैलेंस नहीं स्ट्राइक कर पाएंगे। सो ये जो एग्जीबिशन था इसका पूरा मकसद यही था, क्योंकि मेरा कनेक्शन अरावली से इतना शुरू से रहा है कि एंड एज अ फोटोग्राफर आपको कुछ छोड़ के जाना है तो आप दिखा सकते हैं लोगों को। आप कहते हैं कि NCR दिल्ली में कुछ भी है उसमें अरावली का एक हिस्सा है। नहीं, जीन ऑफ अरावली इन एवरी बिल्डिंग, हर एक कण में एक जीन है अरावली का। जो रोड़ी है और बजरी है और पत्थर आया है वो अरावली से आया है। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि इसमें सब कुछ छुपा हुआ है अरावली का। और हमने अपने आसपास, दिल्ली शहर ने अपने आसपास के जंगल को एक तरह से ख़त्म कर दिया, बल्कि बीच के ही इतना अपना पूरा लंग्स एरिया इसको ख़त्म किया है। और हम रिवाइव कर सकते हैं, वो हमने प्रूव किया, अभी भी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इट्स नॉट टू लेट। और जो आपने वहाँ पे उसको फिर से उसको पुनर्जीवित किया है, उसमें धाव के ही पेड़ लगाए हैं आपने? उसमें धाव, पलाश, हाँ। सारे नेटिव ट्रीज हैं। हाँ। कुछ 60 तरह के जो कि 60 तरह के जो रीइंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ओ, और उसके वो ओरिजिनल हैं सारा? बिल्कुल। मैं थोड़ा अब इसकी जो 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 जानवरों की दुनिया है वो पता नहीं ख़त्म हो गई है या बची हुई है, तो वो मुझे नहीं, पर ये मुझे बहुत आकर्षित कर रहा है। पहले इसके बारे में बताइए कौन है ये? देखिए कितना खूबसूरत है, इसका रंग देखिए, मैं तो हैरान। तो हाँ आप अगर हाँ सुल्तानपुर में जाएं, बसई में जाएं और रिच पे जाएं, ये बायोडाइवर्सिटी पार्क में या मंगर में, मंगर इज द प्लेस जहाँ पे ये धाव के जंगल हैं अभी। मंगर गुड़गांव से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, ये सब मंगर के स्कीन है, ये बड़े बड़े पहाड़। तो वहाँ पे आपको ये सब गोल्डन ओरियल, बारबेट्स, ये सब नज़र आएंगी। और सुल्तानपुर में तो सब चिड़िया आती हैं बहुत। बिल्कुल। और ये दिल्ली से कितनी दूर है? ये सुल्तानपुर गुड़गांव में है, वहाँ पे मतलब चिड़ियों की ये वैरायटी है। बिल्कुल आने की भरा पड़ा तो गुड़गांव के, गुरुग्राम के लोगों को मालूम भी है ये जगह कितनी तो, तरह की के पक्षियों के नाम आपने यहाँ लिख रखे हैं।
अगली बार जब कीजिएगा तो ऐसी जानकारी एक हिंदी में भी लगाएगा, मैं मदद कर दूंगा आपकी। बिल्कुल, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी जो है, सारे बर्ड्स के नाम लिखे हैं, कुछ 200 से ज्यादा बर्ड स्पीसीज हैं जो यहाँ पे अरावली में, 60 से ज्यादा पेड़ हैं इसके, 200 से ज्यादा इसकी चिड़िया है यहाँ पे, और अब तो लेपर्ड्स आ गए हैं। अब आ गए हैं आप पढ़ ही रहे होंगे आजकल अखबार में, क्योंकि क्या हो रहा है, इनकी भी टेरिटरी श्रिंक हो गई है। हाँ। तो भोंडसी के आसपास, सोना के आसपास हर हफ्ते लेपर्ड्स आ रहे हैं शहर में, जंगलों के बिकॉज जंगल श्रिंक कर रहे हैं। आप उनकी टेरिटरी ले रहे हैं तो वो आपकी टेरिटरी में घुसेंगे, आपने उनके लिए कुछ छोड़ा नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे। 3 हफ्ते पहले मारुति के प्लांट में घुस गया, दे हैड टू शट डाउन द मारुति प्लांट क्योंकि लेपर्ड अंदर आके घुस गया मनेसर में। तो ये दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण है आपकी जानकारी में, इसको लिखते समय पढ़ते समय जो मिला हो, कि इस स्तर पर अपनी भौगोलिक विरासत को लोगों ने ख़त्म कर दिया हो? आई थिंक हम लीडर्स हैं इसमें, हम डिस्ट्रक्शन के लीडर्स हैं। ये मैप आपको दिखाएगा, सो ये मेरी पिक्चर है चेंजिंग फेस ऑफ अरावलीस, कि किस तरह बिल्डिंग्स के पीछे जंगल लुप्त होते जा रहे हैं। और ये 2005 में सोना का गांव था, 2010 में, 2017 में ये ख़त्म होते जा रहा है, और मतलब जो ग्रीन एरियाज हैं, बट सिविलाइजेशन इतनी जल्दी से टेक ओवर कर रहा है, बट इसका जो एक क्लासिक केस है वो डमडमा वाले एरियल मैप में मिलेगा। तो डमडमा लेक 2005 में आप देख रहे हैं कहाँ तक भरा हुआ है, 2011 में भी भरा हुआ है, 2017 में वो एक जरा सा पडल रह गया है, लेकिन कहानी वहाँ ख़त्म नहीं हुई है। कि आप देख रहे हैं फार्म हाउसेस बड़े बड़े, अब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ किसका है ये, लेकिन ये नेताओं के हैं और उद्योगपतियों के होंगे, तो ये सब कोर्ट ऑर्डर से सील हुए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये फार्म हाउसेस, और ये गूगल के मैप्स हैं, मतलब ये मैंने कहीं से क्रिएट नहीं किए हैं, ये 2017 का गूगल मैप है सोर्स्ड। तो आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट और NGT इनको देख के नहीं इनको पकड़ सकता, कि ये आप देखिए ये कैसे बना है, इसके अंदर डमडमा लेक के भीतर लोगों ने फार्म हाउस बना लिया, ये कैसे है बना है, ये मेरे पास प्रूफ है। अरावली का एक कलेक्टर्स कैलेंडर बनाया है, हर एक जज साहब की टेबल पर रखने के लिए, उनको देने के लिए 3000 हमने बांटे हैं, मैं आपको भी दूंगा अभी, कि उसमें अरावली के जंगलों की पिक्चर है, कि अरावली में जंगल हैं, एंड वी हैव स्पेंट अ फॉर्च्यून ऑन दैट कैलेंडर, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। एंड द आइडिया इज एवरी लॉयर, एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट, एवरी NGT lawyer should have it on बहुत ही शानदार है कि आपने उनकी टेबल पे रहेगा तो वो सोचेगा हर बार यार जंगल है, बिकॉज ये जो कहना कि जी वहाँ तो कुछ झाड़ियाँ हैं, ये कहना बहुत गलत है। तो ये रिमाइंडर, जज साहब भी देख सकते हैं कि कैसे एक लेक जो झील है वो कैलेंडर में नहीं डाली नहीं, मैंने बट ये मतलब यहाँ के लिए कि वो सिमटती जा रही है और इसमें फार्म हाउस बनते जा रहे हैं। हाँ, और ये इस तरह से जब NGT ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये अरावलीज है, इसमें आप फार्म हाउसेज नहीं बना सकते, ये कैसे बने हैं मैं पूछ रहा हूँ, 2011 से 17 के बीच में कैसे काटे, ये आपने अपने तस्वीरों से, मतलब हम जब समझते हैं कि जिंदगी में कोई लड़ने वाला, कितनी तरह की लड़ाइयाँ लड़ने वाले लोग लड़ रहे हैं, ये आदित्य आर्या ने कैलेंडर बनाया है और काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन कैलेंडर लग रहा है तस्वीरों से। ये वकीलों के लिए है, जज साहबों के लिए है कि उनकी मेज़ पर ये कैलेंडर रहे और वो अपनी आंखों के सामने अरावली के बारे में जान सकें। इनका यही कहना है और मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि अरावली को लेकर जो उदासीनता है वो नहीं जानने को लेकर है। हिमालय से वो माँ गंगा टाइप की भावुकता पैदा हो जाती है, अरावली गंगा से ना माँ बाप, ना भतीजा, ना फूफा, वो कुछ भी नहीं लगता ऐसा, और इस तरह से हम भावुक रूप से नहीं उससे जुड़ते हैं। यही वजह है कि वो कोई उसे लूटे, कोई काटे पीटे, हम पे शायद फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आपने वो कहा जो थोड़े से जंगल बचे हैं, वो सिर्फ सेक्रेट
ग्रोव के आसपास बचे। वो आगे आस्था वाला हाँ, बिल्कुल कहीं कहीं से आस्था ट्रांसपोर्ट करके ले आते हैं, आयात करके। ये हमने दिखा दिया कि यहाँ जंगल क्यों बचा है, हाँ। क्योंकि वही मंदिर है तो इसको नहीं छुएंगे, हाँ। बाकी को हम सारा बेच खाएंगे, हाँ। तो ये हमने सारे जाके शूट किए कि अच्छा ये बहुत खूबसूरत है कि जहाँ जहाँ मंदिर है पुराने, हाँ, या आस्था के केंद्र हैं, तो वहाँ पे ये भगवान के डर से डर गए, बिल्कुल कि वो सीक्रेट हो गए, हाँ। तो वहाँ पे कुछ कुछ जंगल के हिस्से बचे हुए हैं, वहाँ पे बिल्डर भी पैसे लगा देगा कि इसको बना दो, हाँ, ताकि जो बाकी, हाँ, जगह लूटा है उसका पाप शायद यहाँ से कुछ कम हो जाए। पर ये शानदार जानकारी आपने दी कि जहाँ जहाँ मंदिर है इस अरावली श्रृंखला में उनके आस पास की हरियाली बची हुई है। ये देखिए, हाँ, ये मंगरवानी है, हाँ, सबसे घना जंगल है धाव का, इसमें अंदर मंदिर, इसको कोई छूता नहीं है, इस जंगल को कोई छूता नहीं है कि ये बहुत सेक्रेट जंगल है हमारा। तो चलिए, प्रकृति को बचाना है तो थोड़ी बहुत वहाँ आस्था को जोड़ देना चाहिए, उसमें बुराई नहीं है कि अगर आस्था के नाम पे राजनीति और कारोबार ना हो और उसी के नाम पे अगर ये बच जाए, हाँ, तो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फिर तो अच्छी बात है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नाम ही आस्था डिपार्टमेंट रख देना चाहिए। फिर उसे जंगलों में मंदिर, हाँ, बनवा देना चाहिए, हाँ। पर है मंदिर, पर ये धाऊ के जंगल, धाऊ के जंगल देखिए आप। पर ये कैलेंडर देने का आपका आइडिया जो है वो बहुत अच्छा है कि लोग थोड़ा सा जाने और मतलब एक साल तक एटलीस्ट वो सोचेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जंगल है या नहीं है, तो उनको हमेशा यही बताया जाता है कि यहाँ जंगल नहीं, नहीं। फाइल में लिखा हुआ है कौन कितने जज गए हैं जाकर के देख के आए हैं, या कितने लॉयर्स हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं इसमें। मैं उनसे ज़्यादा खुद के भी एक पाठक के तौर पे इतने सारे अखबारों में, खासकर अंग्रेज़ी अखबारों में तो अरावली को लेकर काफ़ी, और जो अरावली से आसपास जो रेवाड़ी भिवाड़ी के जो पत्रकार हैं वो लोग भी अपने यहाँ के हिंदी अखबारों में काफ़ी लिखते हैं और बहुत आंदोलन जैसा लिखते हैं, लेकिन उन माफियाओं का नेक्सस इतना तगड़ा हो गया है कि कुछ होता नहीं है। पर मुझे लगता है कि कुछ होने और नहीं होने के बीच में ये सूचना जो है काफ़ी काम की चीज़ है कि जिससे हमको पता चले कि ये है, इसे तो कम से कम बचा लें। हम अरावली को कम जानते, हाँ, हैं, इसलिए ज़्यादा उससे बर्बाद होने देते हैं। हाँ, मेरा विचार है कि अगर किसी को भी कुछ करना है आप एज एन इंडिविजुअल कर सकते हो, बिकॉज द वे आई पुट इट कि भाई मैंने हैबिटेट को बोला कि ये मेरा विचार है कि ये कहाँ से बनाए, हाँ, उन्होंने कहा नहीं आप कीजिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है। तो बहुत ही अच्छा इंस्टॉलेशन है आपका और वाकई बहुत अच्छा आइडिया। आदित्य आर्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हमने इतनी अच्छी चीज़ देखी और सोचा कि हम अपने दर्शकों को, जो नेशनल सिलेबस चल रहा है टेलीविज़न पे हिंदू मुस्लिम टॉपिक में, कभी वो अलाउद्दीन खिलजी पे डिबेट होता है, कभी अकबर पे होता है, और इसके ज़रिए लोगों का को एक तरह से उनका ध्यान, उनकी सारी जानकारी, संवेदनाओं पर जो हमला हो रहा है उसके बीच ये अरावली के बारे में भी दिखाते हैं कि जहाँ आप रहते हैं उसके पीछे भी बहुत कुछ है बचाने के लिए, और पीछे नहीं जानने की वजह से बहुत लोग उस लूट में शामिल हैं। बहुत बहुत पद्मावती की कहानी भी अरावली की है, थोड़ी पद्मावती की कहानी भी अरावली से जुड़ी हुई, तब तो फिर तो उन भावुक लोगों को यहाँ ले आना चाहिए, हाँ, कि आइए जरा सा अरावली को भी बचाने में थोड़ी जिंदगी लगा दीजिए। उसके लिए कितने लोग उठेंगे, एक लोग नहीं आए, हाँ, क्योंकि उसके लिए चैनल का न्यूज एंकर भी नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देख रहे थे प्राइम टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ और खबरों।
के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस मोहल्ला क्लिनिक का डंका का दुनिया भर में बजने का दावा करते रहे हैं, अब उस पर सुरक्षा का संकट गहरा रहा है। लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए शुरू की गई ये योजना कभी चोरी तो कभी तोड़फोड़ का शिकार हो रही है। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी मेन रोड के किनारे बने मोहल्ला क्लिनिक का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ कि बुधवार रात किसी ने इसमें घुसकर तोड़फोड़ कर दी। सड़क किनारे बने इस क्लिनिक का दो दिन बाद भी कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं। ऊपर से इसके ठीक पीछे गंदगी का अंबार है। यमुना बाजार इलाके में बने इस मोहल्ला क्लिनिक को बीते महीने रात में चोरों ने निशाना बनाया और यहां लगा टीवी उठा ले गए। मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ के मुताबिक दोपहर बाद से अगले सवेरे तक यहां कोई नहीं होता। सुरक्षा राम भरोसे होती है। रात के टाइम टीवी चोरी हो गया था हमारे यहां से। अच्छा, उसके हमने कंप्लेंट भी दे रखी है। अच्छा, तो मतलब क्या है, मतलब कोई सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त रहते हैं आमतौर पर मोहल्ला क्लिनिक में? हमारा अपना ये सुरक्षा कर्मचारी है, लेकिन इसकी ड्यूटी 8 to 2 है। अच्छा, तो मतलब 2 बजे से लेकर और अगले दिन 8 बजे तक वो कुछ उसके लिए कोई गार्ड वगैरह नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक असल में है क्या? गली मोहल्लों में या सड़क के किनारे रखा हुआ ऐसा पोटा केबिन ही तो है जिसमें ऐसे शीशे के दरवाजे होते हैं और इसके अंदर टीवी, फ्रिज, एसी और दवाइयों समेत लाखों रुपए का सामान रखा हुआ होता है, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है? कुछ भी नहीं। दिल्ली में इस समय 160 मोहल्ला क्लिनिक हैं और योजना 1000 तक करने की है, लेकिन किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। ये योजना अरविंद केजरीवाल की है और दावा है कि वे 5 करोड़ में बनने वाली डिस्पेंसरी महज 20 लाख रुपए में बनवा रहे हैं, लेकिन ये गंभीर सवाल है कि आम जनता के पैसों का खरीदा लाखों का सामान खुले में बिना सिक्योरिटी कैसे रखा जा सकता है? कानून व्यवस्था की जो बात है वो सब आप वाकिफ हैं, उस चीज से दिल्ली की स्थिति कहाँ खड़ी है। कई तरह की कंप्लेंट जो आ रही हैं उसके लिए अभी मोहल्ला क्लिनिक एक मॉनिटरिंग कमेटी पब्लिक की तरफ से भी सरकार बनाने जा रही है कि जिससे कि अगर छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, कंप्लेंट आती हैं, तो उसको भी रिजॉल्व किया जा सके। इससे पहले भी दिल्ली के रिठाला, नांगलोई, शाहीनबाग के मोहल्ला क्लिनिक से चोरी की खबरें आती रही हैं, लेकिन फिलहाल सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित नहीं दिखती। दिल्ली से शरद शर्मा, NDTV इंडिया।